हेलो एवरीबॉडी, दिस इज श्राविका जैन और आज हम वन ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम जो इंडिया में होते हैं माईकैट के बारे में बात करेंगे। तो माईकैट इज़ अ एंट्रेंस एग्जाम जो मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन अहमदाबाद कॉलेज है जिसके एडमिशन के लिए माईकैट एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम माईकैट के बारे में सब कुछ जानेंगे, सिलेबस, इम्पॉर्टेंस, प्रेपरेशन टाइम, एलिजिबिलिटी एट्सेट्रा। What is the entrance exam? MyCAT exam is organized and conducted by MICA Ahmedabad for admission to PGDMC, that is Postgraduate Diploma in Management Communication. It is the entrance exams to study PGDM or PGDMC in the MICA Ahmedabad College. MICA, that is Mudra Institute of Communication Ahmedabad, is a higher education institution for strategic marketing and communication skills in India. अब हाउ कैन यू गिव द एग्ज़ाम? अब एग्ज़ाम देने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट माईका अहमदाबाद में जाना होगा और वहाँ पे आप न्यू एप्लीकेंट में जाके और अपना रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, एक दो बार आपने ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुका है, सेकेंड अटैम्प्ट देना चाह रहे हो, तो यू कैन अगेन गो एंड अप्लाई थ्रू द सेम रजिस्टर्ड यूजर्स ऑप्शन। MyCAT exam twice in the year conduct होता है, December में और February में। Exam carries a definite timeline which is generally announced in the month of September for both the attempts. अब इसमें क्या होता है कि आप दोनों attempts दे सकते हो, दोनों में से आपका जो best होएगा वो लिया जाता है। पहला attempt भी दे सकते हो, दूसरा attempt भी दे सकते हो। वैसे मोस्टली लोग एक ही attempt देते हैं, but you can try both the attempts. Why one should go with this exam? अब MyCAT का क्या importance है? MyCAT being an institute level MBA entrance exam that aims to screen best talent who aims to pursue PGDMC. So MICA is definitely a very good college. अगर आपको marketing वगैरह और communication और ये सारे field में जाना है तो MyCAT देकर MICA अहमदाबाद में जाना is a very very good idea. PGDMC focuses on developing strategic marketing professionals. MICA Ahmedabad is acknowledged to be one of the best colleges in the field of marketing. And the PGDMC focuses on grooming business leaders who focus on creative thinking, consumer centricity, communication and community outreach according to MICA's program summary of PGDMC. MyCAT is held specifically for MICA Ahmedabad selection process. This increases the difficulty level of the exam since the only candidate that appear as serious aspirants for MICA Ahmedabad. अब हम syllabus और eligibility के बारे में जानेंगे। तो MyCAT exam में तीन sections होते हैं, psychometric test, aptitude test, reading comprehension, ये सब वगैरह आते हैं, और तीसरा होता है उसमें general awareness का। ठीक है, तो जो तीन सेक्शन होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट में, बेसिकली वो आपकी पर्सनालिटी देखते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट में वही एप्टीट्यूड रिलेटेड जो कैट में आते हैं वो सारी चीज़ें होती है। उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर देखा जाता है, बाकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन का बात किया जाए तो एलजेब्रा, ज्योमेट्री, अरिथमेटिक, डेटा इंटरप्रिटेशन, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर्स, ये सारी चीज़ें, जनरल अवेयरनेस है, और विजुअल रीजनिंग, सीक्वेंस एंड सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, वर्ड एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें सिलेबस में आती है। वैसे तो आपका सिलेबस जो होता है MyCAT एग्ज़ाम देने के बाद, आपको उसके बाद GD होता है, PI होता है, पर्सनल इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद ही आपको एडमिशन दी जाती है। तो इट्स नॉट जस्ट एन एग्ज़ाम, उसमें काफ़ी पूरा होलसम आपका देखा जाता है। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर MyCAT इज क्वाइट सिमिलर टू अदर MBA एंट्रेंस एग्जाम्स विथ वन सिग्निफिकेंट डिफरेंस। कैंडिडेट्स अप्लाइंग थ्रू MyCAT आर एक्सपेक्टेड टू गिव वन ऑफ CAT, ZAT या GMAT एज वेल इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर फर्दर प्रोसेसेस। तो अगर आपको MyCAT एग्जाम देना है तो आप कभी ना कभी CAT, ZAT या GMAT दिए हुए होने चाहिए एक साल या दो साल पहले का। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्या है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास कोई भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। फाइनल ईयर स्टूडेंट कैन आल्सो अप्लाई, और वैलिड GMAT, CAT, ZAT स्कोर होना चाहिए। नेक्स्ट इज कोर्सेज दैट यू कैन ऑप्ट फॉर आफ्टर यू क्वालिफाई। दो कोर्सेज दिए जाते हैं, एक PGDM दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कम्युनिकेशन। If you are someone who wants to become a marketing guru, there is no better place to be than MICA. Yes,
मायका मार्केटिंग के लिए काफ़ी अच्छा कॉलेज है एंड इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट गोइंग इन टू दिस फील्ड प्लीज़ प्लीज़ ट्राई मायका फॉर वंस। अब प्रेपरेशन फॉर द एग्ज़ाम कितना टाइम दिया जाए ये सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊँगी। तो वैसे तो MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम की तरह ही मोस्टली ये होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ऑब्वियसली, बट इसका जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है बाकी सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो उसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। बाकी अगर आपने जैट वैट दिया है तो थोड़ा ईजी हो जाता है आपके लिए। और उसके अलावा आपको मॉक पेपर, सैम्पल पेपर, मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें देते रहना पड़ेगा, तो आपका अच्छा प्रैक्टिस होगा। और नेवरदलेस यू नीड टू गिव योरसेल्फ एटलीस्ट 4 to 5 months ऑफ टाइम फॉर द प्रिपरेशन। और अगर आपने बेस्ट एफर्ट दिए और अच्छे स्कोर्स आए तो यू विल गेट एडमिशन इनटू मायका। ऑल द बेस्ट गाइस, दैट इज ऑल अबाउट मायकैट एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको जानी हो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यू विल गेट टू नो द आंसर्स वेरी सून। थैंक यू।